हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेशंस ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, सीए फाइनल के इस एसएफएम क्लास में हम पोर्टफोलियो टॉपिक का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। कमिंग अप नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 37, विलियम शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। तो विलियम शार्प के सिंगल इंडेक्स मॉडल का जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। दोस्तों, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना जहां मल्टीपल स्टॉक्स हैं, यहां पर यह एक लंबा सा प्रोसीजर है और यह आपको बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। इनिशियली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी सिंपल, इजी गोइंग है। कैसे इसे अप्लाई करना है बड़े ध्यान देकर आप समझना, एंड एकाध क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया खुद से तो दैट विल बी क्वाइट इनफ। एग्जाम में इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत लिमिटेड है, बट आप इसे फिर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना। न्यू सिलेबस में यू नेवर नो कि कौन से पार्ट पर वेटेज बढ़ा दिया जाए। एनीवे, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या किया जाएगा, इट्स अ फाइव स्टेप प्रोसीजर, और वो फाइव स्टेप प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है मैं आपको अभी समझा रहा हूं। आप स्क्रीन पर ध्यान देते जाइए और हम इस पूरे एप्लीकेशन को एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे। दोस्तों, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है उसका सबसे पहला स्टेप डिटरमाइनिंग एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो फॉर ईच स्टॉक एंड रैंक देम ऑन दैट बेसिस फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट। हम सबसे पहले एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो कंप्यूट करेंगे। ये रेशियो एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा, अब ये किस तरह कंप्यूट किया जाएगा मैं आपको फिर से डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी आप इतना समझिए कि इस रेशियो के बेसिस पर सारे स्टॉक्स को रैंक कर दिया जाएगा फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट। जिसका एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो हाइएस्ट आ रहा है वो फर्स्ट रैंक, और जिसका लोएस्ट आया वो लास्ट रैंक। सेकेंड स्टेप, इट इज डिटरमाइनिंग अ कट ऑफ पॉइंट और अ कट ऑफ रेट। ये कट ऑफ रेट एक फॉर्मूला के थ्रू कंप्यूट किया जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, देखने से ये फॉर्मूला इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज वेरी सिंपल। जब इसका एप्लीकेशन आप समझ जाएंगे यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस। सो ये स्टेप्स और ये फॉर्मूला मैंने आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड दे रखा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझते जाइए हाउ टू अप्लाई दीज स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं, स्टेप थ्री, फाइंड द ऑप्टिमल कट ऑफ पॉइंट दैट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एंड सिलेक्ट सिक्योरिटीज अप टू सच कट ऑफ पॉइंट फ्रॉम रैंक वन ऑनवर्ड्स। आपने जब हर स्टॉक के लिए सी कंप्यूट किया, कट ऑफ पॉइंट कंप्यूट किया, तो उनमें जो हाईएस्ट कट ऑफ पॉइंट होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, वो हम डिक्लेयर कर देंगे एज ऑप्टिमल कट ऑफ पॉइंट, और रैंक नंबर वन से उस ऑप्टिमल वाले पॉइंट तक जितने स्टॉक्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं। ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिटरमाइन द प्रोपोर्शंस ऑफ ईच सिक्योरिटी दैट इज वेट टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो इस मॉडल के एप्लीकेशन में ये सेकेंड टाइम एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, एक्सेस रिटर्न टू बीटा माइनस ऑप्टिमल कट ऑफ रेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क इन वेरायंस फॉर्म। एंड फाइनली सभी स्टॉक्स के वेट का एग्रीगेट वन होना चाहिए, और ये वन नहीं होता तो उसे वन के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। Therefore, convert the proportions into appropriate weights such that aggregate of weights should be equal to 1 or 100%. दोस्तों, ये steps आपके textbook में दिए हुए हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए questions के through इनका application देखें। So, coming up next is question number 75. चलिए पढ़ते हैं question number 75. Following is the available data about returns of 7 securities. आपको दिया हुआ है stock A, B, C, D, E, F, G, इनके mean returns यानी के average returns, हर stock का beta दिया हुआ है,
और हर स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क स्क्वेर्ड फॉर्म में यानी वेरियंस फॉर्म में दिया हुआ है. रिस्क फ्री रेट RF इज गिवन एज 5% एंड मार्केट वेरियंस इज गिवन एज 10. यूज विलियम शार्प्स सिंगल इंडेक्स मॉडल टू डिटरमाइन विच ऑफ द अबव 7 सिक्योरिटीज शुड बी सिलेक्टेड इन एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो. ऑल्सो डिटरमाइन रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ ईच ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड इन द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. तो आइए दोस्तों देखते हैं 5 स्टेप का ये प्रोसीजर अप्लाई कैसे किया जाएगा जिसके थ्रू हम एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पहला स्टेप डिटरमाइनिंग एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो फॉर ईच स्टॉक एंड रैंक देम ऑन दैट बेसिस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. तो फ्रेंड्स एक टेबल के थ्रू हम ये पूरा कैलकुलेशन और रैंकिंग कर लेंगे. तो आप ध्यान देंगे हमें करना क्या है. वी हैव टू डिटरमाइन एक्सेस रिटर्न टू बीटा. अब ये एक्सेस रिटर्न हर स्टॉक का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है और रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है. तो आर माइनस आर एफ यानी हर एक स्टॉक का जो एवरेज रिटर्न दिया हुआ है उसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट कर लें रिस्क फ्री रेट तो वो मिलेगा एक्सेस रिटर्न. हर स्टॉक का बीटा दिया हुआ है एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा करने पर आपको ध्यान देना चाहिए आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा ये ट्रेनर्स इंडेक्स है. ट्रेनर्स मॉडल में आपने अब भी पिछले क्लास में इसको ट्रेनर्स इंडेक्स के फॉर्म में समझा था. तो वैसे ही ये एक्सेस रिटर्न टू बीटा हमें हर एक स्टॉक का कंप्यूट करना है. और ध्यान देंगे दिस इज अ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो. आर माइनस आर एफ जितना ज्यादा हो यानी न्यूमरेटर जितना ज्यादा हो वो अच्छा है एंड देयरफॉर ये रेशियो भी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा एंड देयरफॉर हमारे रैंकिंग का बेसिस होगा हाईएस्ट टू लोएस्ट. तो चलिए सारे स्टॉक्स लिस्ट आउट कर दें ए बी सी डी ई एफ जी. इनके मीन रिटर्न्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो हम कॉपी कर लेंगे. रिस्क फ्री रेट तो कोई सा भी स्टॉक हो रिस्क फ्री रेट सबके लिए एक समान है दैट इज 5%. एंड नाउ वी विल डिटरमाइन आर माइनस आर एफ फॉर ईच स्टॉक. स्टॉक ए के लिए 11 - 5 दैट विल बी 6, 25 - 5 20 एंड लाइक वाइज वी हैव कंप्यूटेड आर माइनस आर एफ फॉर ईच स्टॉक. अब हर एक स्टॉक का बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये भी हमने कॉपी कर लिया. अब हमें रेशियो फाइंड करना है. ये बनेगा न्यूमरेटर आर माइनस आर एफ बनेगा न्यूमरेटर और बीटा बन जाएगा डिनोमिनेटर. तो आर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा हर एक स्टॉक का हम कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ए के लिए 6 / 0.5 यू विल गेट 12. स्टॉक बी के लिए 20 / 2 दैट इज 10. 4 / 0.5 इज 8. 14 / 1 विल बी 14. 18 / 1.5 विल बी 12. 9 / 1.5 विल बी 6 एंड 8 / 1 विल बी 8. अब फ्रेंड्स हमें इन सभी रेशियोज में हाईएस्ट टू लोएस्ट के सीक्वेंस में रैंकिंग करनी है. तो हाईएस्ट जो अभी हमें दिख रहा है रैंकिंग के लिए दैट इज ऑब्वियसली स्टॉक डी. ये हाईएस्ट दिख रहा है 14, ये रैंक 1 हो गया. नाउ 14 के बाद इफ यू नोटिस हमें दो वैल्यूज दिख रही है 12 and 12 यानी स्टॉक ए एंड स्टॉक ई दोनों के लिए 12 कॉमन हो जा रहा है. वी हैव टू स्टिल अप्लाई अ रैंकिंग. तो हम क्या करेंगे ये रेशियो तो दोनों में कॉमन हो गया यानी आप सीक्वेंस या रैंकिंग के व्यू पॉइंट से देखें तो यू आर इनडिफरेंट. हम सीधा सीधे देखेंगे कि रिटर्न किसका ज्यादा है. तो आप रिटर्न किसका ज्यादा है उसे प्रेफरेंस देकर रैंकिंग में ई को सेकेंड रैंक दे देंगे एंड ऑब्वियसली ए विल बी गिवन थर्ड रैंक. इसके बाद फोर्थ रैंक विल बी गिवन टू स्टॉक बी विच इज नेक्स्ट इन द सीक्वेंस विद द रेशियो एज 10. तो फोर्थ आ गया. फॉर फिफ्थ रैंक अगेन देर इज अ टाई अप. आप देखिए यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है यानी स्टॉक सी एंड स्टॉक जी में टाई अप हो जाता है. फिर वही क्राइटेरिया जिसका रिटर्न ज्यादा है हम उसे प्रेफर करेंगे दैट इज स्टॉक जी. स्टॉक जी
एंड स्टॉक सी दोनों का रेशियो सेम था बट हमने प्रेफर किया है स्टॉक जी को बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिटर्न्स. तो सिक्स्थ रैंक ऑब्वियसली विल बी स्टॉक सी एंड लास्ट विल बी स्टॉक एफ. तो हमने 1 से लेकर 7 तक के रैंकिंग कर दिए. फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये प्रोसीजर इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट आपके सामने जो टेबल में प्रेजेंटेशन है उससे क्लियर है कि यहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. बड़े सिंपल तरीके से आपने एक रेशियो कंप्यूट किया और रेशियो के बेसिस पर आपने रैंकिंग कर दी. तो चलिए दोस्तों प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं. सेकेंड स्टेप जो सबसे ज्यादा ध्यान देकर आपको अप्लाई करना है अब आपके सामने आ रहा है. स्टेप 2 दैट इज डिटरमाइनिंग द कट ऑफ रेट और कट ऑफ पॉइंट. फ्रेंड्स यहां पर प्रिकॉशन देना, मैंने आपसे कहा था इनिशियली ये कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है बट है नहीं. इट इज वेरी सिंपल बट आपको बहुत अलर्ट रहकर इससे डील करना है. कैसे करना है मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा रहा हूं. आप ध्यान दीजिए, हम एक टेबल बना रहे हैं फिर से और हम शुरुआत करेंगे रैंक्ड स्टॉक. अब हमने सारे स्टॉक्स के रैंकिंग पिछले स्टेप में कर दिए. अब आप देखिए मैंने ए बी सी डी ई एफ जी को क्वेश्चन में दिए हुए सीक्वेंस से नहीं, हमारे रैंक किए हुए सीक्वेंस से लिख लिया. सबसे पहले डी, फिर ई, फिर ए, रैंक के सीक्वेंस में हमने स्टॉक्स को लिख दिया है. अब आर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा जिसके बेसिस पर हमने रैंकिंग किया था, हम उन रेशियोज को भी साथ साथ लिख ले रहे हैं. इसके बाद क्वेश्चन में दिए हुए बीटा वैल्यूज का हम स्क्वेयर्ड कर लेंगे और बीटा स्क्वेयर्ड वैल्यूज हम लिख लेंगे. नेक्स्ट कॉलम में हम क्वेश्चन में दिए हुए अनसिस्टमैटिक रिस्क को कॉपी कर लेंगे विच इज गिवन इन द वेरायंस फॉर्म. और फ्रेंड्स हमारे कट ऑफ रेट या कट ऑफ पॉइंट के कैलकुलेशन में जो न्यूमरेटर में हमें एक वैल्यू चाहिए उस वैल्यू के लिए क्या करना है वो देखिए. वो वैल्यू है आर माइनस आर एफ इन टू बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क इन वेरायंस फॉर्म. अब ये कैलकुलेशन लाने के लिए बड़ा सिंपल काम आपको ये करना है. आप ध्यान दीजिए इन तीन कॉलम्स पर. तो इन तीन कॉलम्स पर जब आप ध्यान देते हैं आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा है यहां पर, ये बीटा स्क्वेयर है. जब बीटा स्क्वेयर इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक बीटा कैंसल हो जाएगा यहां से और जो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पर हमें फाइनल वैल्यू मिलती है दैट इज आर माइनस आर एफ इन टू बीटा. तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा इन टू बीटा स्क्वेयर करने पर एक बीटा कैंसल हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आर माइनस आर एफ इन टू बीटा. तो आर माइनस आर एफ इन टू बीटा हमें यहां का न्यूमरेटर मिल जाएगा एंड डिनोमिनेटर में हमें चाहिए सिग्मा ई स्क्वेयर जो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है. देयरफॉर हमें करना यह है कि इस कॉलम के वैल्यू 14 मल्टीप्लाइड बाय 1, 14 इंटू 1 विल बी 14 एंड देन डिवाइड बाय 20. जो वैल्यू आएगा वो इस कॉलम का वैल्यू होगा बट हमें इन कॉलम के वैल्यूज का क्यूमुलेटिव यानी कि समेशन वैल्यू भी लेते जाना है. इसलिए हम इस कॉलम को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, एक बेस वैल्यू और एक उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू. तो बेस वैल्यू पहले कंप्यूट करेंगे और बाद में क्यूमुलेटिव वैल्यूज हम इजीली असेस कर लेंगे. तो फ्रेंड्स फिर से एक बार समझ लीजिए कैलकुलेशन का तरीका. व्हाट वी रिक्वायर इन द फॉर्मूला इज आर माइनस आर एफ इन टू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा ई स्क्वेयर्ड. और ये करने के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं ये तीन बेस वैल्यूज. आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा में सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा बीटा स्क्वेयर्ड, इससे हमें मिल जाएगा ये न्यूमरेटर आर माइनस आर एफ इन टू बीटा एंड देन द होल थिंग डिवाइडेड बाय सिग्मा ई स्क्वेयर्ड वी विल गेट दिस रेशियो. तो ये रेशियो में हमें करना यह है कि कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 2 डिवाइड बाय कॉलम 3, 14 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 20 ये आ गया 0.7. एग्जैक्टली सेम वे 12 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाय 30 ये आ गया 0.9, 12 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया 0.3, 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 40 ये आ गया 1, 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 20 ये आ गया 0.4, 8 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 50 ये आ गया
0.04, 6 into 2.25 divided by 30, ये आ गया 0.45. अब हम इन सभी वैल्यूज का क्यूमुलेटिव ले ले, और क्यूमुलेटिव लेना बड़ा आसान काम है. 0.7 प्लस 0.9 इज 1.6, 1.6 प्लस 0.3 इज 1.9, 1.9 प्लस 1 विल बी 2.9, 2.9 प्लस 0.4 विल बी 3.3 एंड सो ऑन. तो हमारे पास ये क्यूमुलेटिव वैल्यूज आ गए. इसके बाद हमें कट ऑफ रेट के फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू चाहिए, दैट इज बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क इन वेरियंस फॉर्म, यानी बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा ई स्क्वायर हमें चाहिए, यानी ये वाला कॉलम डिवाइडेड बाय ये वाला कॉलम. तो सेकेंड कॉलम के वैल्यू डिवाइड बाय थर्ड कॉलम के वैल्यू. जैसे ही आप इन दोनों का एप्लीकेशन करते हैं, आपको ये मिल जाएगा. और हमें इस कॉलम का भी क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए, तो हम इस कॉलम को फिर से दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं. दैट इज व्हाट द बेस वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव वैल्यू. तो चलिए सबसे पहले लाइन का बेस वैल्यू फाइंड करें. इट इज वेरी सिंपल, 1 डिवाइडेड बाय 20, 0.05, 2.25 डिवाइडेड बाय 30, 0.075. In the next line, it will be 0.25 divided by 10, that is 0.025. In the next line, it will be 4 divided by 40, that is 0.1. Then 1 divided by 20, 0.05. 0.25 divided by 50, 0.005. 2.25 divided by 30, 0.075. Once you get these values, you can take the summation of each of these, that is cumulative values, and har ek line ka cumulative value aapke samne yahan par diya hua hai. And thereafter, lastly, what you have to find is the cutoff rate or cutoff point. Aur ye humne ek working ke through pura calculation dikhaya hua hai. Hum ek ek working karte jayenge aur ye values ko put up karte jayenge, aur finally हमारे कट ऑफ रेट या कट ऑफ पॉइंट के कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, यू वुड हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस होल कैलकुलेशन. लेट अस मूव टू द वर्किंग्स नाउ. सबसे पहले वर्किंग नोट में कट ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला. अब देखिए दोस्तों क्या करना है. हमने इफ यू रिमेंबर R माइनस आर एफ इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा ई स्क्वायर, ये ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है. उसके क्यूमुलेटिव वैल्यूज भी कंप्यूट कर रखे हैं. डिनोमिनेटर के लिए हमने बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा ई स्क्वायर कंप्यूट कर रखा है, इसके क्यूमुलेटिव वैल्यू भी कंप्यूट कर रखे हैं. तो जो क्यूमुलेटिव वैल्यू आपको मिल रखे हैं, उसमें हमको वेरियंस ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर वाले जो रेशियो का क्यूमुलेटिव वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है, उसमें भी वेरियंस ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई करना है, और अलग से डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते जाना है. तो जो पहला स्टॉक है, स्टॉक डी, उसके लिए व्हाट यू शुड डू, कट ऑफ पॉइंट फॉर स्टॉक डी. इफ यू रिमेंबर, ये पूरा कैलकुलेशन जो आया था, दैट वॉज 0.7 क्यूमुलेटिव वैल्यू. हाँ, ध्यान देंगे तो क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ दिस पार्ट वॉज 0.7, एंड देन मल्टीप्लाइड टू वेरियंस ऑफ मार्केट, दैट वॉज 10. डिनोमिनेटर में दिस पार्ट वॉज 0.05, दैट मल्टीप्लाइड बाय 10, एंड उसमें 1 ऐड कर देंगे. सो फाइनली व्हाट यू गेट ओवर हियर इज 10 इंटू 0.7 इज 7, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.05 इज 0.5, प्लस 1 इज 1.5. फाइनली 7 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट विल बी 4.6667. आप टेबल के नीचे ये वर्किंग पहले जरूर दिखा दीजिए. लेट अस मूव अहेड. हम वापस टेबल पर आते हैं और यहां पर ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं. मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं कि हमने क्या क्या किया है यहां पर. इफ यू रिमेंबर, क्यूमुलेटिव वैल्यू इन द न्यूमरेटर जो 0.7 था, हमने इसमें वेरियंस ऑफ मार्केट 10 मल्टीप्लाई किया. इस 0.05 में भी हमने वेरियंस ऑफ मार्केट 10 मल्टीप्लाई किया, यानी इसमें 10 मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली यहां पर 10 मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ऐड करना है. तो यहां 10 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये 7, यहां 10 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 0.5, और उसमें 1 ऐड करने पर 1.5, फिर 7 डिवाइडेड बाय 1.5 विल गिव यू 4.6667.
Now, let us move ahead for calculating cutoff point for stock E. Stock E ke liye formula wahi rahega. To friends, main aapko ek minute zara piche le chalu. Aap dekhiye stock E mein conceptually wahi calculation karna ho. Cumulative value stock E ka jo hume numerator ke liye aata hai, that is 1.6, aur denominator ke liye cumulative value hai 0.125. हम इसमें और इसमें दोनों में वेरिएंस ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई करेंगे. 1.6 इनटू 10 विल बी 16, 0.125 इनटू 10 विल बी 1.25, और यहां पर डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाएगा. फाइनली व्हाट यू गेट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 1.25 प्लस 1, दैट इज 2.25. और वो कंप्यूट करने के लिए एप्लीकेशन देख लीजिए. 10 into 16 divided by 10 into 0.125 plus 1. So it will be 16 divided by 2.25, and what you get is 7.1111. For stock A, sare calculations hum isi prakar kar lenge. To ye stock A ke calculations, stock B ke calculations. फ्रेंड्स, टेबल के नीचे आप ये सारे वर्किंग्स को पहले नोट कर लीजिए. ऑलराइट, ये आपने लिख लिया होगा. टेबल में वापस आते हैं और इन वैल्यूज को जो हमने अभी अभी कंप्यूट की, इन्हें टेबल में लिख लेते हैं. 7.1111, 7.6000 एंड 8.2857. अब हमारे पास स्टॉक जी, सी एंड एफ के ये तीन कैलकुलेशंस बाकी हैं. तो चलिए फिर से वर्किंग की तरफ. बट आई एम श्योर आपने ये तीन वैल्यूज यहां पर ऑलरेडी नोट कर लिए. टेबल के नीचे आगे वर्किंग्स बताएंगे. एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी डू दैट, आप एक बार फिर देख लीजिए जो हमें यहां पर कैलकुलेशंस करने. क्यूमुलेटिव वैल्यू फॉर द न्यूमरेटर ये रहा, इसमें हम वेरियंस ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 इंटू 10. डिनोमिनेटर के लिए क्यूमुलेटिव वैल्यू है 0.3, इसमें भी हम वेरिएंस ऑफ मार्केट यानी कि 10 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाएगा. सो इट विल बी 3.3 इंटू 10 डिवाइड बाय 0.3 इंटू 10 प्लस 1. तो चलिए फाइनली वर्किंग में देख लें ये क्या आता है. तो फॉर स्टॉक जी, जैसा मैंने आपको बताया, 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1, तो न्यूमरेटर में आ जाता है 33 और डिनोमिनेटर में आता है 4. 33 डिवाइडेड बाय 4 इज 8.25. सिमिलरली फॉर स्टॉक सी एंड फॉर स्टॉक एफ, सारे कैलकुलेशंस हमने कंप्लीट कर लिए. हमारे सारे कट ऑफ पॉइंट कैलकुलेशंस हो गए. नोट डाउन दीज कैलकुलेशंस एंड देन वी गो अहेड. ऑलराइट, यू वुड हैव रिटन दिस मच. Let us go back to the table and put up these values. Stock G, C and F के भी cut off points हमने note कर लिए. अब आपके पास सारे cut off points table में spotted हैं. हमारा next step होगा इन सारे cut off point में से highest cut off point find करना, और जो दिख रहा है बड़ा क्लियरली 8.2857, यानी कि स्टॉक बी का जो कट ऑफ पॉइंट है वो हाईएस्ट है. ये बन गया ऑप्टिमल कट ऑफ पॉइंट. और इसके पहले के सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग स्टॉक बी, इन सारे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लिया जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स, हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक डी, स्टॉक ई, स्टॉक ए, स्टॉक बी, इन चार स्टॉक्स का इंक्लूजन किया जाएगा. जी, सी एंड एफ हमारे पोर्टफोलियो से बाहर निकल जाएंगे. तो ये प्रेजेंट कैसे करना है मैं भी आपको लिखवा देता हूं. हम लिखेंगे स्टेप 3, फाइंड द ऑप्टिमल कट ऑफ पॉइंट दैट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एंड सेलेक्ट ऑल सिक्योरिटीज अप टू सच कट ऑफ पॉइंट फ्रॉम रैंक 1 ऑनवर्ड्स. ऑप्टिमल कट ऑफ पॉइंट सी इज 8.2857 एंड सिक्योरिटीज डी, ई, ए एंड बी शैल बी सिलेक्टेड इन द
पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमने ये डिसाइड कर लिया है कि कौन कौन से स्टॉक्स का इंक्लूजन किया जाएगा। अब नेक्स्ट काम हमारा होगा टू डिटरमाइन द वेट्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। स्टेप 4, डिटरमाइन द प्रोपोर्शंस ऑफ ईच सिक्योरिटी, दैट इज W स्टैंडिंग फॉर वेट, टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो बाई यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक्सेस रिटर्न टू बीटा माइनस ऑप्टिमल कट ऑफ रेट इनटू बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क इन स्क्वेयर्ड फॉर्म। तो एक स्टॉक का कैलकुलेशन मैं आपको समझा दूं। स्टॉक डी जो सबसे पहला स्टॉक है, इसका एक्सेस रिटर्न टू बीटा जिसके बेसिस पर हमने सारे स्टॉक्स की रैंकिंग दी हुई है वो आया था 14। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑप्टिमल कट ऑफ पॉइंट और जो भी डिफरेंस आ रहा है इसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क और ये जो आ रहा है दिस विल बी द वेट ऑफ स्टॉक डी। हमें वेट का जो एडजस्टमेंट करना होगा एंड में टू रिफाइनिंग द वेट सो दैट द वेट्स टोटल शुड बी 1, वो लास्ट के स्टेप में कर लिया जाएगा। बट अभी हम ग्रॉसली सारे स्टॉक्स के प्रपोर्शन फाइंड कर रहे हैं। हमने स्टॉक डी का प्रपोर्शन ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सिमिलरली वी विल फाइंड प्रपोर्शन फॉर स्टॉक विच आर इंक्लूडेड इन रैंक 2, 3 and 4 आफ्टर स्टॉक डी। ऑलराइट, वी विल मेक सिमिलर कैलकुलेशन फॉर अदर स्टॉक्स इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो। वो चारों स्टॉक्स जो हमने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रखे इनके प्रपोर्शन हमें फाइंड करने। डी का प्रपोर्शन आपके सामने जो आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। फॉर स्टॉक ई सेम कैलकुलेशन स्टॉक ए के लिए एंड देन फॉर स्टॉक बी। दोस्तों, जो चार स्टॉक्स हमने पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट किए उन सब के प्रपोर्शन हमने फाइंड कर लिए। इनके वेट का टोटल हमेशा 1 होना चाहिए जबकि यहां पर इनके वेट का टोटल आता है 0.7428। देयरफॉर वी विल नीड एन एडजस्टमेंट इन द वेट्स टू रिफाइन द वेट्स टोटलिंग टू एग्जैक्टली 1 एंड नॉट 0.7428। तो वो जो हम करेंगे रिफाइनमेंट वो स्टेप 5 होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। कमिंग अप नेक्स्ट इज लास्ट स्टेप, स्टेप 5, कन्वर्ट द प्रोपोर्शंस इनटू अप्रोप्रिएट वेट्स सच दैट एग्रीगेट ऑफ वेट्स शुड बी 1 or 100%। तो एडजस्टेड वेट्स जो आएंगे, जो स्टॉक के प्रोपोर्शंस आए थे डिवाइडेड बाय उन प्रोपोर्शंस का एग्रीगेट, यानी कि 0.2857 वॉज द प्रोपोर्शन ऑफ स्टॉक डी, 0.7428 वॉज द एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज प्रपोर्शंस। तो जो इसका रेशियो आता है वो हमारे स्टॉक का वेट बन जाएगा। दैट इज स्टॉक डी का वेट आ गया 0.3846 और 38.46%। लाइकवाइज यू मेक कैलकुलेशन फॉर ई ए एंड बी। अब आप ऑब्वियसली इन सभी का टोटल करेंगे तो दैट विल बी 1।